वाओ, देखिए काफी अच्छा एक सीनिक व्यू में हम रुके हैं अभी। अगर आप अपर असम टूर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली टी गार्डन देखने मिलेगा। देखिए ना कितना हरा भरा है यार, सच में दिल छो लेता है। एंड या ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड जैसे कि आपको पता है हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं अपर असम, तो मेरा साथ है दोस्त प्रणव। और एक बार इसको ये बंदा को अच्छा से देख लो, काफी इंटरेस्टिंग, काफी कॉमेडी बंदा है, रास्ता में मुझे हंसा हंसा के लेके आया हुए। तो फिलहाल हम लोग NRL यानी कि जो रिफाइनरी सेंटर है ना, तो यहाँ पे हम लोग, तो एक्चुअली ये गोलाघाट में पड़ता है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे गर्म पानी, गर्म पानी के बाद देव पानी, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे दीमापुर। दीमापुर में जाके आपको मैं दिखाने वाला काफी बढ़िया सा, हम एक मार्केट है हांगकॉन्ग मार्केट बोल के, वो मार्केट में काफी लोकल कुजीन, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था लोकल कुजीन, और काफी यू नो लाइक अच्छे अच्छे कपड़े मिलते बाहर से आते, जैसे ताइवान से आते, चाइना से आते, एंड या ऑब्वियसली थाईलैंड से भी। तो चलो मिलते हैं रस्ते के मजे लेके। अच्छा गर्म पानी जो इसे बोलते, क्या था जगह का नाम प्रणव भाई? गर्म पानी ना, ये देखो नहाने के लिए पूरा मिस्टिक प्रोहिबिटेड किया गया, निकल रहा है, वो निकल रहा है गर्म पानी, हो रहा कंटिन्यू से गर्म पानी निकल रहा है। इससे तो आपको झूम के दिखा नहीं पाऊंगा, आई डोंट नो गर्म है कि नहीं, जाके छोने से नाम चले। चलो गर्म सा पानी, पूरा उंगलियों का पानी गर्म है रे, उंगलियों का पानी नीचे को दो। वहाँ पे आपको शायद कैमरा भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो एरिया पे, वो जगह पे देखिए, वहाँ पे उबल के पानी आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, वहाँ पे उबला हुआ ऐसा दिख रहा है ना, बबल जैसा बना हुआ है, वही बबल सी बना हुआ है वो अंदर साइड, यहाँ यहाँ से दिखाओ, चलो उधर से दिखाओ, और सामने मिलेगा वो रहा, वो उधर भी है क्या? सच्ची यार गर्म है पानी, सोचा नहीं था, बट यहाँ पे थोड़ा होशियार भी रहना है आपको, क्योंकि ये एक जंगल जंगल सा फॉरेस्ट है ना, सांप वाप लिजर उजर भी निकल सकते हैं। जस्ट अभी मेरा सामने से गुजर गया, ऐसा डर लगा ना भाई कसम से। वो ये देखो बबल्स, गरम पानी, हाँ यार गरम है पानी सच्ची में, पूरा भग भग उंगले का पानी निकल रहा है, पूरा अंदर से पूरा गर्म पानी निकल रहा है शायद, ये तो इतना एरिया को कवर कर रहा है, दो तीन जगह पे बाबुल्स है इसका, है ना, सोचा नहीं था। चलो मछली वस्ती तो नहीं है ना यहाँ पे, वो ब्रिज पे जाके देखते हैं, उसके बाद फिर से रिटर्न आना पड़ेगा हम लोग को, आई मीन जाना पड़ेगा उधर, और आगे एक है, यहाँ से पैदल मार के जाना होगा ना, फिर थोड़ा पैदल मारता है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, मॉर्निंग तो सुबह 8 बजे उठता है तू, तू बहुत बढ़िया, बहुत खूब, 5 बजे उठा है, हाँ 5 बजे उठ के फिर से चादर लगा के सो गया कान में तेल डाल के। ये देखिए हैंगिंग ब्रिज, वाह वाह क्या झूल रहा है भाई साहब। अरे भाई इसका अनुभव बोल दो कैसा है, अरे मत झूला यार, बाद में दोनों टूट के नीचे नीचे पहुंच जाएंगे, उसके बाद दीमापुर का सपना अधूरा हो जाएगा। तो भाई यहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, कभी पहले आया था गर्म पानी में? आया था नेक्स्ट विजिट है मेरा। ओके मेरा तो पहला विजिट है, पहला विजिट में ही जो गर्म पानी उबलता हुआ देख के माँ कसम बढ़िया लगा यार, सोचा नहीं था लेकिन इतना गर्म पानी निकलेगा बोल के, और पाइप वाइप तो फिटिंग नहीं हुआ पे नेचुरल, मतलब ना नेचुरल, और एक जगह भी आ गए कि मैं थोड़ा सा टच करके चले जाएंगे। चलो चलो ओके, देखो प्रणव भाई को छोटा का बचपना याद आ गया बोलते हो। क्या क्या देखे, सीसो अप एंड सीसो डाउन, सीसो अप रुको 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 रुको, सीसो अप एंड सीसो डाउन, सीसो अप एंड सीसो डाउन, सीसो डाउन एंड सीसो डाउन।
फाइनली बचपन के याद को भी ताजा करते हुए हम दोनों भाई और कहाँ जाएंगे अभी? यस, तो अभी गर्म पानी से निकल चुके हैं हम, तो अभी दूसरा डेस्टिनेशन है अपना देवपानी। देवपानी जाके वहाँ पे मंदिर एक्चुअली, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे डिमापुर। तो चलो रास्ते पे ही मिलते हैं या देवपानी या भाई साहब देवपानी पे ही जाके मिलते हैं। तो फिलहाल हम अपने गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर चुके हैं और अभी जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि सामान खरीदने के लिए आए हैं। तो जहाँ पे पार्क करेंगे उधर से आपका सामान लेना होता, तो दो तीन सामान ले लिए और ये फीता भी ले लिया हम, देखिए लाल कलर का। तो मेज से जाके ले लेते हैं भाई साहब, दाम तो बहुत भयंकर है यार। हाँ ओके, तो ये एक्चुअली दुर्गा मंदिर है, देवपानी कार्बी आलंग है ना, यो कार्बी आलंग पे सिचुएटेड है। तो जाके अंदर देखते हैं, और जो आपको बोला था ना जो घस है वो पैर में हम लोग ये रिबन के बांधेंगे ना, तो एक विश लगाना होगा बांधने के बाद। तो चलो यूट्यूबर के लिए, हाँ आपके लिए कुछ हम विश करेंगे। पकड़ना पड़ेगा इसको, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डिमापुर के हांगकांग मार्केट। तो अभी हम करेंगे एक्सप्लोर। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे मार्केट पे, कपड़े दुकान है यू नो लाइक, और सब्जी मंडी, जो चाहिए आपको सभी चीज़ मिलती है। इसलिए काफ़ी सारे डिमापुर के जो है नागालैंड के यहाँ पे आके शॉपिंग करना प्रीफर करते हैं। तो भाई बोलो कैसा लगा डिमापुर मार्केट देख के? मार्केट ठीक ही है, लेकिन बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे लग रहा है। रेट बहुत ज़्यादा बोलता है ना, रेट बहुत ज़्यादा बोलता है। वो सही है, मार्केट जैसे घुमाना आपने जैसे देखा कि काफ़ी बढ़िया मार्केट, काफ़ी बड़ा है, लाइक फैंसी बाजार जैसा ही है, और जो आइटम्स तो भी काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम्स है ना। बिल्कुल, बट लेकिन थोड़ा दाम थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगा ना, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा तो ही या कुछ हो पाएगा। एक चीज सिमिलरली मिला यहाँ पे मार्केट पे कि हर एक का दाम मतलब कि वो लोग डिसाइड करके रखा है क्या, एक ही टाइप का बोलता है एग्जैक्टली सभी चीज को। ना 900-950 है इसका दाम, लेकिन 700 का हर का मुफ्त में वो आएगा है, कोई एक कपड़ा खरीदने से या फिर कोई भी चीज ऐसा खरीदो कि इसका दाम 1200 है मार्केट वाला, लेकिन आपको 1000 सबका बात एक ही सिमिलरली लग रहा है। मतलब वो लोग क्या करते हैं मार्केट में ऑलरेडी सेट करके रखे हुए कि ये चीज का ये प्रोडक्ट का 800 से कम कभी भी मत देना, तो ऐसा करके कुछ सेटिंग किया हुआ है। तो वे जो भी ना हो ठीक लगा डिमापुर आके, काफी बढ़िया था, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे, जब जैसे हमने एड्रेस पूछा अच्छे से रेस्पॉन्स दिया है ना। बिल्कुल, तो ठीक है ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अभी हम जाते हैं फिर वापस काजीरंगा, तो देखते आगे क्या होगा, तो चलो डिमापुर का एक्सपीरियंस। चलो मोर दूटा वस्तु हल न हो गए, तो मैंने दो चीज चूज किया है, एक हो गया ये डियर, ये तो पैक कर दियो हाँ फाइन, इसको भी पैक कर लेते हैं, और एक हॉर्न भी लिया ये वाला, देखो काफी बढ़िया है, काफी प्यारा है। I don't know लेने के लिए ले लिया। अभी मैं बात करता हूँ भैया से दाम का, कितना में मिला था कितना में नहीं, तो देखते कम से कम दाम में लेने के लिए ट्राई करते हैं। Yes, all right. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काजीरंगा, और हमने ये होटल लिए है, देखिए काफ़ी सामान जो था, मैंने मोबाइल अपना GoPro अपना कैमरा सब रख दिया, क्योंकि हमें करना है चार्ज, और होटल भी काफ़ी ठीक ही है। तो मैं जस्ट आपको एक रूम टूर देता हूँ, देखिए प्रणव भाई अपना फैमिली को रूम टूर दे रहा हूँ। देखिए ठीक ही है, गीजर वीजर है, बेसिन है, साफ सुथरा रूम है। तो ये रूम का हमें पड़ा कितना, 2000 ना, 2000 रुपया पड़ा ना। तो ये रूम का 2000 पर टीवी भी है, और अगर करंट
अगर करंट नहीं है तो आपको करंट का भी यहाँ पे इन्वर्टर है, आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, बिंदास आ जाओ बैठो बस। और हाँ, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये देखो कैसा है मेरा आउटफिट, ये मैंने लिया है दिमापुर से, हांगकांग मार्केट से ये लिया, और एक दो टी शर्ट लिया, ये ट्रेंडिंग वाला है तो ऐसे लंबा लंबा हाथ वाला, और सिर्फ मैंने इसको लिया 300 बक्स में देखो। तो चलो दोस्तों, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।